आमिर खान ने दिल चाहता है मैं एकदम सही कहा है। हमें हर साल कम से कम एक हफ्ते के लिए गोवा आना चाहिए। इसलिए मैं भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर पहुँच गई गोवा। मैं तो ट्रैवल करती हूँ खाने के लिए, इसलिए इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं गोवा के सबसे ज्यादा पॉपुलर रेस्टोरेंट्स और देखने वाले हैं कि क्या ये रेस्टोरेंट सच्ची में अच्छे हैं या ये सारे मिलके हमें वो पागल बना रहे हैं। इस ट्रेल की शुरुआत मैंने करी थी विद दिस प्लेस कॉल्ड मार्टिन्स कॉर्नर, जिसे बोला जाता है सचिन तेंदुलकर का फेवरेट रेस्टोरेंट, क्योंकि सचिन जब भी गोवा आते हैं ना यहाँ जरूर आते हैं। एंड सिर्फ सचिन तेंदुलकर नहीं, यहाँ पर इतने सारे सेलिब्रिटीज आए हुए हैं कि मैं तो देख के बिल्कुल इम्प्रेस हो चुकी थी। और नॉर्मल लोगों के बीच में बड़ा फेमस है, गूगल पे 23,000 रिव्यूज होने के बावजूद भी इसकी 4.4 की रेटिंग है। एंड जैसे ही मैं लंच टाइम पे रेस्टोरेंट में पहुंची तो ये खचा खच भरा हुआ था। दूसरों के टेबल पे खाना देखने के बाद में मेरी भूख सबर का बांध तोड़ चुकी थी, इसीलिए मैंने फटाफट से मेन्यू पर नजर घुमाई और रियलाइज किया कि वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पर कुछ खास है नहीं। इसीलिए जो 2-3 नॉन वेजिटेरियन डिशेज मुझे लोगों के टेबल्स पे दिखी और जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने कर ली ऑर्डर। मैंने जो सबसे पहली चीज यहाँ पे ऑर्डर करी है वो है यहाँ का चिली चिकन, और नॉर्मल चिली चिकन जो चाइनीज वाला होता है ना ये उससे काफी ज्यादा अलग लग रहा है। खुशबू बहुत बड़ी आ रही है, बस प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है। ट्राई करके देखते हैं टेस्ट कैसा है। ओह माय गॉड, वाओ, मुझे प्यार हो गया यार। यार ये नॉर्मल वाला चिली चिकन नहीं है जो यहाँ पे देसी चाइनीज रेस्टोरेंट्स में मिलता है, ये बेसिकली ना बड़ा इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ चिली चिकन है और इसमें एक्चुअल में चिलीज डली हुई है, जो रेड चिली और ग्रीन चिली होती है उसकी वजह से इतना स्पाइसी हो गया है और ये इतना स्वाद है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इट्स लाइक द बेस्ट चिली चिकन दैट आई हैव एवर ट्राइड। मजे आ गए, फूके निकल रहे हैं मुँह से, लेकिन यम। देखो गोवा आई हूँ तो सी फूड तो मैं थोड़ा बहुत ऑर्डर करूंगी। प्रॉब्लम ये है कि मैं सी फूड ज्यादा ऑर्डर करना चाहती थी, बट अभिषेक सी फूड खाता ही नहीं है और मैं अकेले खाती हूँ, मैं कितना ही खा लूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉन करी ऑर्डर करी है जो काफी जैसे ऑरेंजिश से ग्रेवी में आई है, साथ में इसके राइस और पिकल आया है। मैंने ऑलरेडी इसको प्लेट के अंदर डाल दिया और अब टाइम आ गया इसको भी ट्राई करने का। लेट्स गो। जिस लेवल पे भीड़ है ना मुझे लग रहा है सब कुछ ही बढ़िया और मेरा मन कर रहा है सब कुछ छीन के खा जाऊं, बट नहीं खा सकती, मैं यही खाती हूँ। आप डेफिनेटली ये जगह ट्राई कर सकते हो अगर आप हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन हो। दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? मैंने वीडियो लेना था इसको। फाइनली आ चुका है डिजर्ट खाने का टाइम। देखो गोवन डिजर्ट है, दो बड़ी बड़ी ज्यादा पॉपुलर। एक का नाम है बेबिंका एंड दूसरे का नाम है सेरा डोरा, एंड ये यहाँ की काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डिजर्ट्स है हर किसी के टेबल पे, तो मैंने सोचा मैं भी मंगा लेती हूँ। सेरा डोरा अभिषेक ने एक ग्रही खाई थी और फिर वो ऑलमोस्ट पूरी डिजर्ट खत्म करने वाला था, मैंने रोक लिया इसको इससे पहले कि मेरे को वीडियो के लिए मिलता ही ना। नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई। मेरे को मीठा खाना पसंद भी नहीं है, बट दिस इज सो गुड। जैसे बेसिकली इसमें टेस्ट आ रहा है सबसे ज़्यादा वो आ रहा है व्हिपिंग क्रीम का, काजू का एंड मारी के जो बिस्किट होते हैं ना उसका। बहुत ही लाइट सी डिजर्ट है, कम मीठे वाली, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लग रहा मुझे टेस्ट में। ज़बरदस्त है, मतलब 100% ट्राई करना अगर वेजिटेरियन हो यहाँ पे आ रहे हो, डिजर्ट के लिए आ जाना ये वाली। एंड सेकेंड इज बेबिंका। सीन ऐसा है कि ऐसे लेयर डिजर्ट होती है और अभी मैं बी रोल के लिए इसका शॉट ले रही थी। अगर आप मेरे जैसे क्लमजी इंसान हो तो आपको इस डिज़र्ट खाने में बहुत मुश्किल आने वाली है, बिकॉज ये लेयर्स में होती है, बट मेरे जैसे लोग बस ये लेयर्स को इकट्ठा ही नहीं कर पाते हैं। Let's eat it. बड़ा ना इसके आगे मेरे को ओल्ड स्कूल केक नहीं होते बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है, उसमें कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड सिनेमन का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट टेस्ट है। मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी, ये कुछ नया था जो मैंने खाया, बट ये तो एक्सेप्शनल, लव इट। बारिश होने लग गई एंड एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल, ऑसम। आगे चलो। ओके थैंक यू। जिस जगह हम लोग
जब जा रहे हैं, ये जो जगह है इसका नाम है सदर्न टेक, और यहाँ पर 5500 रिव्यूज है ऑन गूगल, लेकिन 4.4 की रेटिंग है। अब पता नहीं है जगह कैसी होगी। देखो बारिश के चक्कर में जाने का रास्ता तो बड़ा खराब हो गया, बड़े कीचड़ कूचड़ वाला। अब अंदर कैसा होगा, आई डोंट नो, लेट्स फाइंड आउट। फाइनली मैं आ चुकी हूँ एट सदर्न टेक, और इस जगह की वाइब इतनी ज्यादा ऑसम है। थोड़ा सा म्यूजिक कम हुआ है तो मैं सोचा फटाफट से रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है यहाँ पे। यार ये इतनी सुंदर जगह है, पहले तो बिल्कुल गोवा वाइब्स है, जैसे बिल्कुल बीच वाली वाइब्स होती है ना, वो तो है ही है। मैंने यहाँ पे खाना ऑलरेडी मंगवा लिया है, एंड ये देख लो जरा। एक तो मैंने यहाँ पर मंगवाई है ये वेजिटेरियन मेजे प्लेटर, जिसके अंदर यहाँ पर है ये टॉर्टिया चिप्स, इसके साथ फलाफल है, तीन तरह की डिप्स है, एवोकाडो, हमस एंड मुहामरा, जिसको अभिषेक बहुत ही ज्यादा मजे से खा रहा है बिना सोचे कि उसकी बीवी के व्लॉग भी शूट होने होते हैं ऐसी खाने से। बट नेवर माइंड, मेरा मन फिश खाने का था बट अभिषेक का मन चिकन खाने का था, तो इसलिए हमने बीच का ही रास्ता निकाला है। दिस इज कॉर्नफ्लेक्स क्रस्टेड चिकन, जिसके अगेन दो पीस ऑलरेडी पेल चुका है कल्प्रिट। पर इसका खाना देख के मैं इसको दू ना दू स्कोर, लेकिन भाई जरा तुम ये देखो, खाने के जस्ट सामने हमें ये दिख रहा है ये व्यू, जो कि इतना ज्यादा सुंदर है। तो देखो अब बारी आ चुकी है खाना खाने की, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बड़ा बड़ा समय खा रही हूँ ये चिकन। ओ मेरे मुंह के साइज का, इसका व्हाट लूनर एक्लिप्स। डिड यू हियर द क्रंच? डिड यू? अब आई बारी ऑलमोस्ट खत्म मेजे प्लेटर की, थैंक्स टू मिस्टर अभिषेक। लेट्स ईट द मुआमरा फर्स्ट, सारी डिप्स ट्राई करती हूँ फिर बताती हूँ। हमस, एवोकाडो डिप, फलाफल टेस्ट। अगर मैं मेजे प्लेटर का बात करूं, देखो इसमें चिप्स और हमस एंड मुहामरा बहुत अच्छा है। जिसको नहीं पता, हमस बेसिकली व्हाइट चने से बनती है, एंड जो मुहामरा है वो बनती है आपकी रेड बेल पेपर एंड इसके साथ में वॉलनट्स के साथ में। ये दोनों तो बहुत बढ़िया थी, बट जो एवोकाडो बेस्ड डिप है दैट इज लाइक, एंड मुझे फलाफल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पता नहीं आई डोंट नो उसको कोकोनट ऑयल में फ्राई करा है, उसमें कोकोनट बहुत ज़्यादा डाला है, किसी और चीज़ का टेस्ट ही नहीं आ रहा, सिर्फ पूरा मुंह मेरा कोकोनट ही हो चुका है, तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। बट बाकी चीज़ें अच्छी थी, आई लव्ड इट। बट खाने से ज़्यादा ना इस जगह की जो वाइब है वो बहुत ज़्यादा ऑसम है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा इस जगह का, वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब मुझे जैसे अभिषेक की ड्रिंक बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं उसके हाथ से ड्रिंक छीन के लेके जा सकती हूँ। छोड़ दे यार, थोड़ी तो दे दे। मैं उसके हाथ से ड्रिंक छीन के लेके जा सकती हूँ, मैं दूसरी मंगा लेती हूँ। थैंक यू। मैं उसके हाथ से ड्रिंक छीन के लेके जा सकती हूँ। इस दरवाजे के थ्रू मैं डायरेक्ट बेनोलिम बीच पे जा सकती हूँ, एंड दिस इज माय व्यू। वेरी वेरी सैटिस्फाइंग। बाय द वे, ड्रिंक मैंने अपने लिए मंगाई थी और अभिषेक ने हत्याई है, ऐसा नहीं मैंने उसकी ड्रिंक छीनी है, जस्ट दैट वो मेरी सारी चीजें छीन लेता है यार, पर कोई नहीं। हेलो, तो बेसिकली क्या है कि अंदर पूरा पार्टी प्लेस है, लेकिन बाहर अगर आपको बीच एक्सपीरियंस करना हो, और ऐसे एकदम शांति वाले बीच है यार, बिल्कुल कम लोग हैं, ये बीच है, इतनी भीड़ है यार, उस साइड थोड़ी भीड़ दिखेगी आपको, एंड बाकी देखो इट्स ऑलमोस्ट वेकेंट ओनली। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है यार, मतलब कितना ऑसम है ना, सीधा डायरेक्ट रेस्टोरेंट से बीच पे आओ, और बीच पे इतनी बढ़िया हवा चल रही है, इतना ज़्यादा बढ़िया मौसम हो रहा है, साथ में मस्त अपने अंदर से ड्रिंक लेके आओ, यहाँ पे बैठो आराम से पियो, मजे करो जिंदगी के। आई थिंक वो जो वाइब है ना, उसकी मैं इसको रेटिंग ज़्यादा दूंगी एज कम्पेयर टू फूड। वैसे फूड भी अच्छा लगा मुझे, बट वाइब तो यार एक्सेलेंट है। अगर आप पार्टी एनिमल टाइप, तो आपको अंदर की वाइब भी अच्छी लगेगी, लेकिन मेरे को तो शांति ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ये वाइब तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। ओवरऑल देखो सस्ता नहीं है, रेस्टोरेंट सस्ता मुझे गोवा में कुछ भी नहीं लगता, मैं तुम्हें बताऊँ 400 से 500 रुपये की तो मिनिमम हर चीज़ होती ही होती है यहाँ पे। नॉर्मल ड्रिंक भी लोगे ना कोई, तो वो भी 300 से नीचे की नहीं है, तो महंगा तो है, पर मैं डेफिनेटली दोबारा वापस आना चाहूँगी यहाँ पे इसकी सुंदरता के लिए। Loved it to bits, highly worth it. And that's the bill. 1150. अभी हम जिस जगह आ चुके हैं, इस जगह का नाम है द फिशरमैन्स वॉर्फ, और ये जो जगह है भाई, इधर 25,000 रिव्यूज डले हुए हैं,
और उसके बावजूद इनकी 4.2 की रेटिंग है, विच इज क्रेजी। क्लियरली पता चल रहा है कि भाई काफी ज्यादा पॉपुलर रेस्टोरेंट है। एंड मैं यहाँ पर आ गई हूँ यहाँ का बढ़िया बढ़िया गोवन खाना ट्राई करने के लिए। ड्रिंक्स मैंने ऑलरेडी मंगा लिया तो मैं दिखाती हूँ, रुको। एक तो मैंने कल की तरह ये मंगवाया है, ये कोकम वाला एक ड्रिंक, और अभिषेक ने यहाँ पर अपना फ्रेश लाइम सोडा मंगवाया। फ्रेश लाइम तो फ्रेश लाइम जैसा ही होता है, बट ये भी ना थोड़ा एवरेज ही है। देखो पर्सनली ना मेरे को थोड़ा फ्रेश फ्रेश वाले जो ड्रिंक्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं। यहाँ पर सब में सिरप डाला हुआ तो मेरे को वो मजा नहीं आते पीने में, बट ओवरऑल टेस्ट में तो ठीक ठाक लगा मेरे को। मैं वेट कर रही हूँ खाने का। मैंने यहाँ पर मंगवाई है किंगफिश, जो कि रवा फ्राइड होती है, और इसके साथ में हमने मंगवाया है गोवन स्टाइल ही चिकन विंग्स। फटाफट से आए, खाऊं, मजे करूं। बट एक चीज़ मुझे बतानी थी ना यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पर रिवर व्यू है। बैठ के ना मेरे को बड़ी ज़्यादा ऋषिकेश वाली वाइब आ रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट सामने देख रहा हूँ बड़ी सारी बोट्स भी हैं। अभी हमारे सामने काफ़ी सारी चल भी रही थी, तो देखने में तो देखो ओवरऑल व्यू बहुत सही लग रहा है। बट अब खाना कैसा होगा, लेट्स सी। तो सीन ऐसा, मैंने दो डिशेस मंगाई है। एक तो है ये रवा मसाला किंग फिश। देखो ऐसे ना प्रॉन्स भी आते हैं और ऐसा यहाँ पर चिकन भी मिलने लग गया है, और यहाँ की काफ़ी फेमस स्पेशलिटी है। तो हमने एक तो ये ऑर्डर करा है, और इसके अलावा ये जो है ना चिकन विंग्स, ये ऑर्डर करें। और ये नॉर्मल चिकन विंग्स नहीं है, इनका एक रिशाडो मसाला होता है, जो गोवन मसाला होता है, जैसे कैफ्रियाल हो गया या जैसे इनके ट्रेडिशनल मसालेज होते हैं उसके जैसा ये एक मसाला होता है, जिससे इन्होंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके फ्राई करा हुआ है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको खाने के लिए। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी किंग फिश। देखो मैं ना अब तक जब से गोवा आई हूँ ना, मैंने फिश नहीं ट्राई करी, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। देखने में तो देखो काफ़ी बढ़िया लग रही है ये फिश, खाने में कैसी होगी अभी पता चलेगा। इसके साथ में एक डिप आई है, अब हम ये रिशाडो मसाले वाले विंग्स खाने वाले हैं। देखो देखने में बड़े फायरी से विंग्स लग रहे हैं, बट लेट्स ईट इट। तो तेवियर और सजनो, फिशरमैन वॉफ से हम लोग आ चुके हैं बाहर। अब हम दोबारा अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पे ना मैं प्रॉपरली अपना एक्सपीरियंस बता नहीं सकती थी, नींद में सब धक्के मार के बाहर निकाल देते, मैं क्या करती। तो मैंने सोचा मैं गाड़ी में बताऊँ कि एक्चुअली मैं हुआ क्या। पहली बात तो देखो मेरे को क्या है कि खाना इतना कुछ खास लगा नहीं, स्पेशली जब मैं ऑलरेडी मार्टिन्स कॉर्नर का और उधर का खाना खा चुकी हूँ। मेरे को दोनों खाना इतना बढ़िया लगा था, मतलब ओवरऑल वाइब भी बहुत अच्छी थी और खाना भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे मुझे क्या लगता है, ये ना पार्टी प्लेस है, आओ दारू पियो मजे करो, उसके बाद में तुम्हारे को क्या मतलब कि खाने का टेस्ट कैसा है क्या है। वाइब ठीक है इस जगह की, फिर भी मतलब एक्सेप्शनल नहीं बोलूँगी मैं गोवा स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट इट्स फाइन। बट खाने का टेस्ट लाइक, क्योंकि जो इनकी वो रवा फिश थी ना, वैसे तो देखो मैरिनेशन के हिसाब से ठीक थी, मैरिनेशन ठीक था, मसाले ठीक थे, सब कुछ ठीक था, पर 650 रुपए के वो दो चुन्नू चुन्नू से पीस थे, एंड उसके बाद में भी फिश वॉज स्मेलिंग फिशी। तो उन्होंने हमें बोला भी था क्लियरली कि हम लोग ना ये फ्रेश नहीं रखते, हमारी ना ये फ्रोजन है। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से ना यार देखो मजे नहीं आए फिश का के। एंड सेकेंडली हमने जो चिकन ऑर्डर किया था, आई थिंक इन्होंने ऑलरेडी वो मसाला अलग से रखा हुआ था, चिकन अलग से रखा हुआ था, चिकन के ऊपर ऐसा थिक मसाला लगा के उसको फ्राई कराया, जो भी करा, अंदर से चिकन में कोई भी टेस्ट नहीं था, बस बाहर ही बाहर वो मसाले का टेस्ट आ रहा था, और वो भी थोड़ा कच्चा कच्चा सही मसाला लग रहा था मेरे को। तो ओवरऑल मुझे वो भी कुछ खास पसंद नहीं आया। ड्रिंक्स मैंने थोड़ा बोल ही दिया था, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। प्राइस अगर मैं बोलूँ ना तो 1500 कुछ का बिल आया हमारा, बट ओवरऑल मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, मेरे को मज़े नहीं आया। जितने मुझे कल आए थे ना, उतने मज़े मुझे आज नहीं आए। ये अपने रेटिंग पे खरा नहीं उतरा मेरे अकॉर्डिंग। तुम यहाँ पे कभी गए हो, तुम्हें यहाँ पे कोई चीज़ पसंद आई है मुझे ज़रूर बताना। मैं तो यहाँ पे गई, 1500 रुपये खर्चे, अपनी शर्ट गंदी करी और मूड खराब करके वापस जा रही हूँ। लोकेशन जिसका नाम है द केप, ये एक रिजॉर्ट है काबो दे रामा बीच के पास में। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था कि काबो दे रामा जरूर जाना, ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। शायद मैं कैमरा से शूट भी करूंगी ना, तो मैं अपनी आंखों में जो देख रही हूँ ना, वो कैमरा में 1% भी नहीं दिखा पाऊंगी। मतलब चारों तरफ ग्रीनरी है, एक तरफ पूरा ग्रीन 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 एंड दूसरी तरफ समुंदर। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ, इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हम लोग आ चुके हैं एट द केप गोवा। ऑनेस्टली जगह की वाइब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है।
मैं जहाँ जाती हूँ बच्चे चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफा ना डील करना होता। भाई बहुत अच्छी है नज़ारा, सामने से बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे ना एकदम कॉर्नर पे टेबल है जहाँ से आपको एकदम सामने व्यू दिखता है खाने के, खाते खाते मतलब आप बढ़िया समुद्र का व्यू देख सकते हो। मैंने सोचा था मैं वहाँ पे जाके सीट लूँगी, बट वो रिजर्व करवाने पड़ते हैं आपको ऑनलाइन, और इसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आप चाहते हो कि आपको वो कॉर्नर वाली सीट्स मिले जहाँ पर डायरेक्ट ओशन वाला व्यू हो, तो कृपया जाके पहले रिजर्वेशन करवाएं, मेरी तरह ऐसे ही मूड आके ना आए। तो अब मैंने खाना करा है ऑर्डर, थोड़ा सा गोवन खाना मंगाया मैंने, वेट कर रही हूँ जैसे ही खाना आएगा फिर आपको बताऊँगी वो कैसा है। तब तक मैं ये पी रही हूँ फ्रूट पंच मेरा, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अभी मेरे को बहुत मीठा लगा बट मुझे अच्छा लगा। तो फ्रूट पंच पीने के बाद में मैंने मेन्यू पे नजर घुमाई और सोचा कि पिज्जा बर्गर तो दिल्ली में भी खा लेते हैं, गोवा आए हैं तो कुछ गोवन स्पेशलिटी खाते हैं, इसलिए मैंने मंगाया ये चिकन जाकुटी। जाकुटी बेसिकली इज अ कोस्टल चिकन करी, और ये जो प्रिपरेशन मेरे पास आई थी ना ये तो बोनलेस चिकन वाली थी, और इसकी जो ग्रेवी थी इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट था ऑफ कोकोनट करी लीव्स एंड गरम मसाले, स्पेशली काली मिर्ची। ना तो ये क्रीमी था ना ही स्वीट था, थोड़ा स्पाइसियर साइड पर था, बट काफी अच्छा लग रहा था स्पेशली विद राइस। तो बस खाना खाकर टमी करी हमने फुल, एंड देन उठाए काबो दी रामा बीच के नजारे। डेफिनेटली 100% यहाँ पर विजिट करना, इट इज वर्थ द हाइप। सो दैट वाज अ गोवा व्लॉग फ्रॉम माय साइड। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई और वीडियो आइडिया हो तो वो भी बताना। दिस इज कुलजोगी ढींगरा साइनिंग ऑफ टू कम अप विद मोर वीडियोस इन फ्यूचर, तब तक के लिए बाय बाय।